है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो आ गए हैं आपके एक को बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर डिमांडिंग वीडियो लेके। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, मैंने इतने ज़्यादा टैटू के ऊपर वीडियो बनाए हैं उस पर आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ ही गया है, लेकिन आप उसमें साथ ही कुछ कमेंट ऐसे छोड़ देते हो और मुझे उस कमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि मुझे उस कमेंट का लेके आपके साथ में कुछ बातचीत करनी चाहिए, आपको उसका कुछ सॉल्यूशन बताना चाहिए। हाँ, आज मैं आपको वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ कि आप लोग पूछते हो ना कि भाई मुझमें जो मेरे टैटू है उस पर पक गया है या सूजन आ रही है और मेरा टैटू बार बार पानी में भीग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, मैं आपको तीनों परिस्थिति में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा जिससे आपका टैटू बिल्कुल भी सैड ना पड़े, आपका टैटू एक प्रॉपर अच्छा टैटू बन के निखरे कुछ ही दिनों के अंदर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो या आप टैटू बनवा चुके हो। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर तो इस भाई के चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो अगर टैटू को आप अपना अच्छा रूप देना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूं वो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कमेंट में सबसे ज़्यादा सवाल कि भाई मेरा टैटू बार बार पानी में भीग रहा है, इस सिचुएशन में मैं अपने टैटू को कैसे ठीक रखूं। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम आप 15 दिनों तक इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि आपका टैटू 15 दिनों तक पानी में ना भीगने पाए और कम से कम भीग पाए, इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना होगा। लेकिन चलो आपका टैटू किसी भी गलती से या किसी भी आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसके सिचुएशन में आपका टैटू बार बार भीग रहा है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जल्दी से जाकर, अगर आपका टैटू भीग चुका है तो जल्दी से जाइए और एक अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा लीजिए और उस कपड़े को बार बार अपने टैटू पर टैप टैप करके जहाँ भी उस पर पानी पड़ गया है वो पानी को सुखा लीजिए। उसके बाद में जो भी आपने जहाँ भी प्रोफेशनल जो टैटू पे आर्टिस्ट पे टैटू बनवाया है तो आपको उन्होंने एक जेल का प्रोवाइड जरूर कराया होगा, उस जेल को आप लगा लीजिए। सिंपल, बस आपको इतना ही करना होगा। और अगर आपको बार बार पानी में जाने की ज़रूरत पड़ती है या आपका टैटू बार बार पानी में भीग रहा है तो इस सिचुएशन में भी आपको जेल का उपयोग करना होगा। आप कहीं भी जाते हो तो हल्का सा जेल की एक परत बना के निकलिए, हल्की सी एक लेयर बना के निकलिए, आपके टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बार बार अगर आपका टैटू पानी में भीग रहा है तो अगर ज़्यादा भीग रहा है तो आप इस बात का खास करके ध्यान रखिए कि आपका टैटू पानी में कम से कम भीगे। ये होता फर्स्ट टॉपिक में क्लियर करता। आप टॉपिक पे आते हैं, अगर आपका टैटू पक गया है, बहुत लोगों के ये कमेंट पूछते जाते हैं कि भाई मेरा टैटू पक गया है मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूं। और सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि नॉर्मली आपका टैटू कभी भी नहीं पकता है, उसे नॉर्मली हम इन्फेक्शन कहते हैं। टैटू पक गया ना भाई तो आपके उस एरिया का जो पार्ट है ना पूरा काटना पड़ेगा, अगर आपका टैटू पक गया तो इस बात को खास करके ध्यान रख लीजिए। वो टैटू पकता नहीं, आप घबराइए नहीं, उस पर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है आपकी छोटी मोटी गलतियों को लेकर, क्योंकि अगर आप टैटू बनवाते हो तो आपको छोटी छोटी बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए अगर आप टैटू को एक प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर सेड लाना चाहते हो। तो अब आप कौन सी ऐसी खास कर गलतियाँ करते हो अब मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर आपका टैटू बार बार पानी में भीग रहा है तो आपका टैटू पकने की या इन्फेक्शन आने की संभावना 90% बढ़ जाती है, इसलिए आप पानी में ना भीगने दीजिए, कम से कम भिगाइए। उसके बाद में जंक फूड का सेवन करते हो, ऑयली फूड का सेवन करते हो या नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनका डेफिनेटली टैटू पर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी जेल लगा लीजिए, लेकिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप खास करके ध्यान रखिए, आप इन सब फूडों का और इन नॉन वेजिटेरियन लोगों तो आप बस 15 दिन आप उससे संभाल के रखिए, आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का सेवन ना कीजिए। आप 15 दिनों के बाद किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो अब फिर भी, लेकिन इन्फेक्शन हो चुका तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। देखो दोस्त, मैं आपको किसी भी तरह का झूठा दिलासा नहीं दूंगा। आप देखो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं है, आप जाइए मेडिकल वाले के पास में, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मेडिकल वाले के पास में जाइए जो आपके एरिया का सबसे बेस्ट मेडिकल हो, उसके उस पर जाके देखा कि भाई देखो मेरे इस जगह पे मुझे इस तरह का इन्फेक्शन हो, वो समझ जाएगा और आपको 2 से 3 गोली प्रोवाइड करेगा। मेरे को भी इस जगह सिचुएशन का सामना करना पड़ा था तो मैंने मेडिकल का ही सहारा लेके अपने टैटू को सही किया है, इसलिए आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी ना कि किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की। ध्यान रखना, अगर जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर के पास में जाओगे तो उतनी ही वो बड़ी आपको इन्फेक्शन बताएगा, उतनी ही बड़ी आपको दवाई का
दवाई का शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप छोटे से जो अच्छा सा मेडिकल उस मेडिकल पर जाकर आप उसकी मेडिसिन लीजिए, उस मेडिसिन और जो मेडिसिन आप खाओगे तो आपका टैटू का इन्फेक्शन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और टैटू बिल्कुल भी सेट नहीं पड़ेगा। और प्रॉपर अगर आप अपने टैटू को सही करना चाहते हो तो भाई पहले से ही ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह की गलतियों को जो अपना उल्लेख जो मैंने बताया आप किसी भी तरह की गलती ना कीजिए जिसके कारण आपके टैटू को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। अब दोस्तों ये कर दिया मैंने दो टॉपिक क्लियर। अब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला तीसरा टॉपिक लास्ट में मैंने इसलिए रखा है कि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो क्यों होता है, वो होना भी ज़रूरी है, कैसे करते हैं, कैसे उसे मिटाया जाए। देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हमारे टैटू पे सूजन आ चुकी है, हमने एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, इसके बाद में हमारे टैटू वाले पार्ट पे क्यों सूजन आ रही है। भाई इस बात का आप खास ध्यान रख लीजिए, चाहे आप प्रोफेशनल टैटू पे बनवाते हो, चाहे आप रोड साइड टैटू बनवाते हो। और मेरा खास आपसे विनंती है आप रोड साइड टैटू आर्टिस्ट पर बिल्कुल भी टैटू का ना बनवाइए, आप प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट पर ही बनवाइए। टैटू अगर आप बनवाने के बारे में सोच रहे हो या बनवाने जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट पर ही अपना टैटू बनवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि आपके टैटू पर सूजन आती तो आपको क्या करना चाहिए। भाई देखो अगर आप अपना टैटू बनवा चुके हो या बनवा रहे हो तो सूजन तो आएगी ही, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सूजन तो आनी ही आनी है। और बहुत लोग पूछते हैं सूजन के साथ साथ मुझे खुजली भी हो रही। भाई जब वो सूजन ही नहीं आएगी और सूजन के साथ साथ खुजली ही नहीं आएगी तो आपका टैटू बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपका टैटू सही हो रहा है तो आपको सबसे बड़ा इसका सिम्टम्स है कि आपको जो सूजन आएगी वो धीरे धीरे सूजन कम होने के साथ साथ आपको खुजली उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये 4 से 5 दिन का इसमें प्रोसेस होता है, 4 से 5 दिन के बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा, फिर आपका टैटू 15 दिनों के अंदर अंदर सही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टैटू के ऊपर खुजली हो रही है या सूजन आ चुकी है तो किसी भी तरह की मेडिसिन ना लीजिए। अगर आपने मेडिसिन ली तो दोस्तों आपका टैटू वहाँ से ख़राब हो जाएगा और उसका कलर भी पूरी तरह से सेट पड़ेगा। इसलिए खास करके ध्यान रखिए कि सूजन और खुजली तो आएगी ही अगर आपने टैटू बनवाया है, ये जेन्युइन इसका सिम्टम्स है, सूजन और खुजली आनी ही आनी, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको खासकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी इस परिस्थिति सिचुएशन में आपको कौन से कदम उठाने चाहिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खास जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही आपको ये वीडियो बना के दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ इस भाई को सपोर्ट कर दीजिए, भाई एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए क्योंकि उसमें आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता है। आपको इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और भी किसी लोगों को हेल्प हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।